हेमंत कैबिनेट में आज 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी। वहीं दूसरी ओर जब कैबिनेट से निकले ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, तो उनसे भी सवाल किए गए आखिर इस बैठक में क्या कुछ प्रमुखता से रखा गया है, क्या कुछ मुख्य रूप से बातें आई हैं। तो उन्होंने पारा शिक्षकों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही है। हम लोग सीधे सुनेंगे उन्होंने पारा शिक्षकों को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, आज जो 25 प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें यूनिवर्सिटी से लेकर पारा शिक्षक का मसला उठा। कुछ माननीय विधायक मंत्री का भी था जो ग्रामीण क्षेत्र का सड़क जो है PW में RCD में जाना चाहिए, उस रोड को भी लिया गया है। मिला जुला कर जनता से जुड़े हुए मसला ही ज़्यादा उठा। पारा शिक्षकों वाले मामले में क्या कुछ हुआ है? काफी समय से वो लंबे समय से वो जो उन लोगों का डिमांड था उसे नियमावली नहीं बनता, वो नियमावली बना है। तो आपने यहाँ पर मंत्री आलमगीर आलम को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पारा शिक्षकों की जो नियमावली बननी थी वो बनने जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य की जनता के हित के लिए सारी चीज़ों पर चर्चाएँ हुई हैं, मगर महत्वपूर्ण रूप से उनकी ये बात जो पारा शिक्षकों के लिए है, जो उनकी मांगे थी नियमावली बनाने को लेकर के, उस पर काम हो रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।